वैसे तुम पहले से यही चाहते थे ना कि मनो तो मुराद का पाचक हो जाए, इवन दो यू हैड फीलिंग्स फॉर हर। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कोई फिल्मी सीन देखूं कि एक हीरो अपनी पुरानी मोहब्बत को उसकी खुशी की खातिर किसी और के हवाले करते हैं। वेरी नाइस। थैंक यू। नो बट सीरियसली, बड़ी बात। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव दैट यू वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर हिम। किसी के साथ खुश रहने के लिए परफेक्शन की नहीं, कंपैटिबिलिटी की जरूरत होती है। जो मन्नत और मुराद दोनों में थी, बस वो हर शादीशुदा कपल की तरह शादी के शुरू के दिनों में एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे थे, जो गलत है, नहीं करना चाहिए। थैंक गॉड दे रियलाइज दैट किसी दूसरे को अपने जैसा बनाने के बजाय यू हैव टू एक्सेप्ट देम फॉर हु दे आर विद ऑल देयर फ्लॉज। इतनी समझदारी अपने केस में भी दिखा दो भाई, ढूंढ लो अपने लिए भी कोई इम्परफेक्ट सी लड़की। अभी अल्लाह अल्लाह करके एक ड्रामा खत्म हुआ है, आप दूसरी फिल्म चला दें। फाइन, आई बैक ऑफ, बट ओनली फॉर टुनाइट। कल सुबह नाश्ते की टेबल पे इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करें। कल सुबह तो मेरी फ्लाइट है। मन्ना जल्दी करो यार, लेट हो रहा हूं मैं। तुम्हें घर वापस छोड़कर क्लाइंट के पास भी पहुंचना है, डॉक्टर ने भी आज ही बुलाना था चेकअप के लिए। अभी तो बाप बने नहीं हो और जिम्मेदारियों से जान छुड़ा रहे हो। जान नहीं छुड़ा रहा मैं, इधर आए आप। जानती तो है यार लास्ट वीक का कितना काम पेंडिंग है। तो छुट्टियां मेरे लिए थोड़ी ली थी, अपनी सितारा की शादी अटेंड करने गए थे। वहां पर तो काम करते हुए माथे पे एक शिकन नहीं आई होगी, क्योंकि गिल्ट में जो थे कि ओ माय गॉड मैंने दिल तोड़ दिया। ना हाला वाला कूल था। वैसे ना आपकी सोच को सलाम है, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती। कजन लगती है वो मेरी, और कजन बहनों जैसी होती। बहनों की शादियों की जिम्मेदारी भाई को ही पूरी करनी पड़ती है। तो अपनी बहनों की जिम्मेदारी कम है जो कजन्स की भी फिक्र हो गई है। तैयार हो गई हो? मैं दुपट्टा ले रही हूँ। अच्छा वो फाइल निकालो और मेरा पर्स ले आना। चलो ये लो। ध्यान से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी दुआ कीजिएगा, मन्नत के चेकअप के लिए जा रहा हूँ। दुआएं तो बेटे मैं हर वक्त ही पढ़ पढ़ के फूंकती रहती हूँ तुम पर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज फिर खैर से पता चल जाना है कि लड़का है या लड़की। शायद लड़का ही होने हैं इंशाल्लाह, तू देख लेना मेरे बेटे। अगर लड़की हुई तो मुंह चंगा ना हो तो बंदा गाल ही चंगी कर लेंदा है के। अच्छा अम्मी अल्लाह हाफिज। चलो जी खैर से जाओ, खैर से घर आओ, खुशखबरी लेकर आना अल्लाह दे हवाले। आ आ आ आ आ आ। पता नहीं वो कौन सी सासें होती हैं जो ड्रामे के एंड में एकदम ठीक हो जाती हैं। कितनी दफा समझाया तुम्हें कि अम्मी की आदत वो बोल पड़ती हैं, दिल की बुरी नहीं है मेरी। अम्मी मैं मानता हूँ कि वो इनसिक्योर है, लेकिन उसकी रीजन दो जवान बेटियां घर में और मैं अकेला वाहिद सहारा। अब बताओ वो डरती हैं अगर मैं बदल गया तो। कुछ करना पड़ेगा, करती हूँ कोई इंतजाम तुम्हारी बहन। कौन सा इंतजाम? चलो बैठो बताती हूँ। आओ
जल्दी कर लो यार। कितना वक्त लगा रही हो तैयार होने में? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे। पहले सबको तैयार किया है, फिर खुद खड़ी हुई हूँ तैयार होने के लिए। अभी भी खुश चाहिए हो? बहुत खुश हूँ, बल्कि रश कर रहा हूँ अपनी किस्मत पर कि तुम जैसी बीवी मिली। तुम ना होती ना तो मैं बेमुराद ही रह जाता। मैं कैसे ना होती? मन्नत की मुराद तो तुम ही हो। कैसे लग रहे हैं हम दोनों? अच्छा, थैंक यू। अब किस लिए? मेरी जिम्मेदारी पूरी करने में मदद करने का। एक सेकंड, भाभी का फोन। जी भाभी। अच्छा ओके, आई विल सी यू। भाभी सी यू, बाय। जल्दी करो, वो लोग पहुंचने वाले हैं। मैं कह रहा था ना देर हो जाएगी। नहीं हुई इतनी देर, अब जल्दी करते हैं, वो लोग पहुंचने वाले हैं। बस लास्ट, चलो चलो ना, चलो।